जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और मेरे मित्र, जैसा कि रेलवे के अधिकारियों ने बताया था कि हम टेक्नीशियन पे भी जल्दी बहाली लेंगे और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की भी बात करेंगे। तो टेक्नीशियन का एडवांस में नोटिफिकेशन आ गया है और साथ में सर 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी आपका जो करेंटली ALP 2024 की बहाली चल रही है सर, उसमें दी गई है। नोटिफिकेशन क्या है उसको आप जरा सा देखिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन इंडियन रेलवे। मेरे मित्र, यहाँ पे जो एडवांस की चर्चा की जा रही है वो क्यों की जा रही है आप सभी समझ रहे हैं, और ये आपका एडवांस नोटिस है किसके लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन इंडियन रेलवे। कहा जा रहा है, डियर कैंडिडेट्स, प्रिय अभ्यर्थी, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैव रिसेंटली रिलीज द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 1/2024 ऑन द 20th of January 2024। यानी कि कहा जा रहा है कि प्रिय अभ्यर्थी, RRB की तरफ से रिसेंटली में जो है CEN नंबर 1/2024 जो है वो 20 जनवरी को रिलीज की गई थी, 20 जनवरी 2024 को। कहा जा रहा है कि दिस नोटिफिकेशन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अक्रॉस वेरियस रेलवे जोन। और ये जो आपका नोटिफिकेशन था या रिक्रूटमेंट था ये किसके लिए है, तो सर अलग अलग जोनों में ALP के लिए। आगे कहा जा रहा है कि RRBs आर करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द रिलीज ऑफ अनदर सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली एम्ड एट द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। मतलब RRB जो है वो करेंटली मतलब एक फाइनल प्रोसीजर पे पहुंच रही है कि वो जो टेक्नीशियन की भर्ती है उसको भी जल्द से जल्द उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए। वी आर प्लानिंग टू रिलीज दिस नोटिफिकेशन सून। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको जल्दी दिया जाए। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली मॉनिटर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB फॉर टाइमली अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस फोर्थ कमिंग नोटिफिकेशन। कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उसको ये सलाह दी जाती है कि आप लगातार ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए इस तरह के अपडेट और अनाउंसमेंट के लिए। फिर कहा जा रहा है कि RRB आर कमिटेड टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एलिजिबल अप्लीकेंट्स थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। RRB जो है वो एक मतलब इस नियुक्ति प्रक्रिया में, या आप कह सकते हो कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ सभी छात्रों को बराबर अपॉर्चुनिटी देना चाहती है। कहा जा रहा है कि फर्दर डिटेल्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन प्रोसीजर एंड इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी डिटेल इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वंस इट इज रिलीज्ड। मतलब आगे की जो डिटेल है कि इसमें एजुकेशन एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, या आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, अप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। मेरे मित्र, जो इतना हो हंगामा हो रहा है उसी का ये परिणाम है कि आपको टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एडवांस में नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, और RRB की माने तो टेक्नीशियन की बहाली जो है वो आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। तो पहला नोटिफिकेशन तो ये आपका टेक्नीशियन के लिए आया। दूसरा नोटिफिकेशन जो है सर वो एज के रिगार्डिंग भी आया है, और अगर एज के रिगार्डिंग हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये रहा आपका। इसमें क्या कहा जा रहा है, कॉरिजेंडम टू पैरा 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल CEN 1/2024। यानी कि जो आपका ALP 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें पैरा 5.0 और 5.2 का जो एक मतलब डिटेल है उसी के अनुसार इसमें कहा जा रहा है कि टू गिव रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट्स हु मे हैव बिकम ओवर एज्ड एंड हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट इन रेलवे ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट मेंशन इन द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पब्लिश्ड अंडर CEN 1/2024 एज अ वन टाइम मेजर्स। मेरे मित्र, इसमें सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि ये वैसे छात्रों को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं जिसका मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो कोविड पेंडेमिक के वजह से मिस हो गया था, और जो ओवर एज हो चुके हैं उनको सर यहाँ पे इट हैज बीन डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया है कि एज में 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंगली द पैरा 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल CEN 1/2024 हैव बीन रिवाइज्ड एज अंडर। मतलब ये जो आपका पैरा है CEN 1/2024 का 5.0 और 5.2 इसके अकॉर्डिंग वो उसको रिवाइज कर रहा है। आगे अगर एज लिमिट की बात करें, एज ऑन 1/7/2024 तो क्या कर दिया गया है सर, 18 से 33 ईयर। यानी कि जो मिनिमम एज है आपका 18 और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 33। यहां पे कहा जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो बर्थ डिटेल इंक्लूसिव। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो किससे किसके बीच में होना चाहिए वो यहां पे दिया गया।
अगर मेरे मित्र एज ग्रुप की बात करें ही नहीं है तो 18 से 33। अब अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर, मतलब क्या अपर लिमिट जो डेट ऑफ बर्थ का है वो क्या है, अनरिजर्व यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 2/7/1991, ठीक है, और ओबीसी एनसीएल के लिए सर 2/7/1988, एससी और एसटी के लिए सर 2/7/1986। मतलब जो अपर लिमिट एज है वो क्या है सर, जनरल के लिए 1991 और ओबीसी एनसीएल 1988, एससी एसटी सर 1986। और अगर लोअर लिमिट की बात करें सभी कैंडिडेट के लिए तो वो क्या रखा गया है, तो सर 1/7/2006, क्या रखा गया है 1/7/2006। तो दोनों डेट की चर्चा कर दी गई है और 3 साल का रिलैक्सेशन। अब कहा जा रहा है कि इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन वन मोर देन वन ग्राउंड ही सी विल गेट द मैक्सिमम अमंग द रिलैक्सेशन फॉर व्हिच ही सी इज एलिजिबल नॉट कंप्लीटेड। मतलब कहा जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है एज रिलैक्सेशन के लिए, मतलब एक से ज्यादा ग्राउंड पे, तो उसमें कहा जा रहा है कि ही सी विल गेट द मैक्सिमम अमंग द रिलैक्सेशन फॉर, मतलब ये जिसके लिए भी एलिजिबल है, जैसे कि आप बात करते हो कि ओबीसी एससी एसटी को एज में छूट मिलती है तो इनके बाद भी आपको छूट दिया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट यूआर वैकेंसी विल नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन। अगर एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट मतलब जनरल जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन टू एक्स एसएम कैंडिडेट विल बी एज गिवन इन पैरा 5.1 अबव, जो आपका नोटिफिकेशन में था एक्स एसएम के लिए सर उसी तरीके से रहेगा। कह रहा है कि ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिटेल सीएन 1/2024 रिमेन अनचेंज्ड। मतलब और जितने भी बाकी के डिटेल हैं एज रिलैक्सेशन को छोड़ करके सीएन 1/2024 का, वो क्या होगा आपका, तो सर एज जैसे है वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर कहा जा रहा है कि नोट कैंडिडेट विथ रिलैक्स्ड एज कैन सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम 31/1/2024 12 PM ऑनवर्ड्स। जो कैंडिडेट हैं जो एज में रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं या जो मतलब एज रिलैक्स करके अपना फॉर्म डाल रहे हैं वो अपना एप्लीकेशन 31/1/2024 यानी कि 31 तारीख 12 बजे के बाद से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये दो आप कह सकते हो कि बड़ा अपडेट आपको रेलवे के तरफ से देखने को मिली है। फिलहाल इस दोनों नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बात कही जा रही है वो इतनी ही कही जा रही है कि टेक्नीशियन की पोस्ट जो है या टेक्नीशियन की जो बहाली है हम उसके लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन देने वाले हैं और आप लगातार ऑफिशियल वेबसाइट को मॉनिटर करते रहिए। दूसरा एज रिलैक्सेशन में आपको 3 साल की छूट दी गई है, अपर एज और लोअर लिमिट दोनों की बात यहाँ पे कर दी गई है। तो इस छोटे से अपडेट में बस यही था और उम्मीद करते हैं कि इस दोनों ही अपडेट को आप सभी समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।